Hi friends, how to play saxophone? Saxophone is a brass instrument and most important thing is how to assemble saxophone. हमें सैक्सोफोन बजाने से पहले ये पता होना चाहिए कि सैक्सोफोन की केयर और सैक्सोफोन को असेंबल कैसे किया जाता है. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैक्सोफोन को कैसे असेंबल किया जाता है. देखिए दोस्तों, सैक्सोफोन के तीन पार्ट होते हैं मेन. फर्स्ट इज बॉडी, सैक्सोफोन्स बॉडी. ये देखिए, ये इसका शरीर है. इसके अंदर अब हम इसकी नेक को लगाएंगे और इसे बोलते हैं नेक. देखिए यहां से थोड़ा लूज किया और इसको जो है ये इसमें सेट किया अच्छे से, ठीक है, और ये की को वापस टाइट कर दिया. और इसका तीसरा जो पार्ट है वो है माउथ पीस. माउथ पीस के अंदर जो मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है रीड, ठीक है. माउथ पीस को उसकी जगह पर लगाया और ये रीड, ये माउथ पीस में रीड को कैसे लगाना है ये देख लीजिए. आप कोशिश करें कि क्लिप को इसके अंदर ही टाइट करें. हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम ऐसे करके रीड लगाते हैं. इसमें कभी कभार हमसे ये रीड टूट जाती है, तो हम चाहेंगे कि हम पहले ही क्लिप को अंदर डाल दें और उसके बाद ये ऐसे रीड को डालें अंदर. ये बहुत सेफ तरीका है रीड को सेफ रखने का. दोस्तों याद रहे, जो ये रीड है ये इतनी नहीं होनी चाहिए माउथ पीस से और ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसके लेवल में होनी चाहिए माउथ पीस के, ठीक है दोस्तों. उसके बाद हमने किया इसे टाइट, ये किया हमने इसे टाइट. अब जो है लास्ट में हम इसमें लगाएंगे नेक बेल्ट. बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैक्सोफोन कब हमारे हाथ से गिर जाए हमें भी नहीं पता चलता. ये हमने लगाई नेक बेल्ट जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है. तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैक्सोफोन पर फिंगर कैसे रखी जाती है. ये देखिए, ये है इसके इसकी कीज 1 2 3. जो मेन है वो है ये बड़े वाले 1 2 3. इसमें एक छोटी भी है जिसका काम बाद में शुरू होगा. अभी 1 2 3 and 4 5 6, ये 6 कीज पे हम लोग पहले ट्राई करेंगे. शुरुआत में हम इसको सीखेंगे, उसके बाद हम आगे का काम शुरू करेंगे. तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पर फिंगर कैसे रखी जाती है. तो देखिए, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर, और ये हुआ थंब. लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर एंड फोर्थ फिंगर, और ये हुआ थंब. तो हमेशा याद रखिए कि सैक्सोफोन को पकड़ते समय लेफ्ट हैंड हमारा हमेशा ऊपर की तरफ रहता है और राइट हैंड नीचे की तरफ रहता है. तो लेफ्ट हैंड की हम फर्स्ट फिंगर रखेंगे फर्स्ट की पर. ये देखिए, ये हमने रखी फर्स्ट की पर, और ये सेकंड फिंगर सेकंड की पर, थर्ड फिंगर थर्ड की पर. फोर्थ फिंगर को हमने यहाँ पर रखना है मगर अभी उसे बजाना नहीं है. अभी हमने ये तीन तीन फिंगर की पोजीशन तैयार कर ली है. उसके बाद बारी आती है थंब की. तो दोस्तों थंब के लिए ये थंब रेस्ट यहाँ पर बना हुआ है और ऊपर जो है वो है एक्टिव की, ठीक है, जो थंब से यूज की जाती है. तो ये हुआ हमारा थंब रेस्ट. हमारा लेफ्ट हैंड का थंब यहाँ पर आना चाहिए. ये देखिए, अपने आप ग्रिप बन जाती है सैक्सोफोन की. उसके बाद आई राइट हैंड साइड की बारी. ये देखिए, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट कीपर, सेकंड फिंगर सेकंड कीपर, थर्ड फिंगर थर्ड कीपर, और ये थंब. ये देखिए, ये थंब के लिए सैक्सोफोन में ये थंब रेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है. ये सैक्सोफोन की बॉडी को कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प करता है, सैक्सोफोन को पकड़ने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों. अब जो ये वाला जो थंब है वो यहाँ पर रखना है, मगर उसको जब जब हमारे को जरूरत पड़ेगी तो हम उसको ये वाला ये की यूज करेंगे बाद में, ठीक है. तो मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू ब्लो द सैक्सोफोन, ब्लोइंग कैसे करनी है हमने. तो जो हमारे टीथ हैं ऊपर के और नीचे के, देखिए नीचे के टीथ में जो है ये लिप्स का कुशन बनाना है ऐसे, ठीक
ठीक है, और ऊपर के टीथ जो है वो माउथ पीस के यहाँ पर रखने हैं, थोड़ा सा उसको दबाना है हल्का सा। याद रहे जो आपका माउथ पीस में जो हमने इसको यूज करना है, इसके अंदर ब्लोइंग करते समय हमारे जो लिप्स हैं वो सेक्सोफोन के माउथ पीस के ज्यादा बाहर नहीं होने चाहिए और ज्यादा अंदर भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मिडल में होने चाहिए। ठीक है, और उसको रखना कैसे है लिप्स को, इसके अंदर हमने माउथ पीस को कैसे लिप्स में बिठाना है वो देख लीजिए आप। सबसे पहले ये टंग को रीढ़ के नीचे रखा, ये कुशन बनाया, और ये टीथ यहां पर, ये अब टंग को आप पीछे कर लीजिए। और अब इसमें आप फूंक मार के देखिए, इजली बजेगा, ज्यादा अंदर नहीं होना चाहिए और ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। ऐसे ब्लोइंग करेंगे, सैक्सोफोन इजली बजेगा, और जो मैंने आपको ये बताया है सैक्सोफोन को पकड़ना और उसको बजाना, इसकी आप ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। कहने के लिए सैक्सोफोन बहुत टफ इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, मगर नहीं, सैक्सोफोन बहुत इजी इंस्ट्रूमेंट है और बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अट्रैक्टिव है। और याद रहे सैक्सोफोन इज अ ब्रास इंस्ट्रूमेंट, इसका एक अपना ही स्केल होता है जो मैं आपको अपने वीडियो में लगातार बताऊंगा। तो मैं अब मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू।